फर्क नजर आएगा। नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स ऑफ नया सवेरा। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और जिन प्रमुख खबरों में नया सवेरा में आज हमारी नज़र रहने वाली है वो है परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण है आज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा के दौरान हो रहे तनाव से निपटने के देंगे आज मंत्र। कृतिका, बिल्कुल, और इसी के साथ हमारी नजर रहेगी बिहार के मामलों पर, जहां आपको बता दें कि ईडी आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करेगी लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के। साथ ही कृतिका, बिहार से जुड़ी एक बहुत बड़ी एक और खबर भी है। एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में आज कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और कई निर्णय लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, और साथ ही भावना आज अगर देखा जाए तो ब्रीटिंग द रिट्रीट का भी पूरा कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो नया सवेरा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुबह की सुर्खियों के साथ। रिकॉर्ड 2,26,00,000 छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने के देंगे टिप्स। बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज, बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव समेत लिए जा सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैसले। मथुरा के काशी ईदगाह, मथुरा के शाही ईदगाह भूमि सर्वेक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से आज पटना में ईडी करेगी पूछताछ। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के घोटाले को लेकर होंगे सवाल जवाब। शंखनाद के साथ शुरू होगा आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तीनों सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के म्यूजिकल बैंड बजाएंगे स्वदेशी धुनें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत, 34 से ज्यादा घायल। बाइडेन ने हमले के लिए ईरान स्थित समूहों को ठहराया जिम्मेदार। और खेल की खबरों में, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर सिक्स में पहुंचा भारत। ग्रुप दौर के अंतिम मुकाबले में अमेरिका को 201 रनों से दी करारी शिकस्त। और चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं भावना, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं परीक्षा पे चर्चा के साथ। तो छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर इस बार पूरे देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा गया, और रिकॉर्ड 2,26,00,000 छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। और खास बात यह है कि लोग अब प्राइम वीडियो पर भी लोग अब इस अलेक्सा को आदेश देकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों से परीक्षा का तनाव छोड़कर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा को एंजॉय करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते।
पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। कार्यक्रम के सातवें संस्करण में सोमवार को प्रधानमंत्री छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर इस बार देश भर में कितना उत्साह रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर रिकॉर्ड 2,26,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6 गुना अधिक है। इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2,05,00,000 छात्रों के अलावा करीब 15,00,000 शिक्षक और 5,50,000 से अधिक अभिभावक भी शामिल हैं। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा में के तहत जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम इससे भी जुड़ा हुआ है कि नए भारत में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ अब लोगों को आ रही है। एग्ज़ाम के बाद क्या, एग्ज़ाम के बाद किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चों को आर्थिक जो गतिविधि हो रही है उसके तहत प्राप्त हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट mental well-being, loss of stress, but it's also an opportunity to know what the new India is like and the kind of opportunity it offers. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3,000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2 छात्रों और 1 शिक्षक को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वेरी गुड थिंग उनका लगता है कि वो एक टाइम मैनेजमेंट का बताते हैं कि जैसे पेपर के दौरान आपको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, नॉट बी जस्ट फोकसिंग ऑन वन सिंगल सब्जेक्ट बाय जस्ट गिविंग इट 2 or 4 hours और जस्ट गिविंग इक्वल टाइम, फॉर एग्जांपल 2 hours फॉर वन सब्जेक्ट एंड हाफ एन आवर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो वो एक बहुत अच्छा है कि हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को अपने पेपर के दौरान स्पेशली। तो हर बार की तरह PM इस बार भी हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक्स देंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे कि मेरे को याद है मैंने जब पिछले साल देखा था तो PPC में PM ने एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था एक छोटी सी चींटी का, तो वो जब एग्जाम्पल्स दे दे के बच्चों को समझाते तब हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, हमारे डाउट सारे क्लियर होते हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो वह यही कहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है उसे एक खेल की तरह लीजिए, पढ़ाई से कोई स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है और यदि होता भी है तो उसे आपको इग्नोर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आगे चलकर हम किसी भी कार्य में व्यस्त होंगे, कोई भी जॉब या बिजनेस करेंगे, वहाँ पर स्ट्रेस आना लाजमी है और हमें उसको समझने के लिए, उससे टैकल करने के लिए आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, सुप्रभात। जिस तरीके से हमने देखा है कि परीक्षा पे चर्चा को लेकर बच्चों में और छात्रों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ स्ट्रेस से निपटने के ही गुण नहीं देंगे आज, लेकिन नए भारत का भविष्य कैसा हो इसकी भी परिकल्पना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के सातवें संस्करण के द्वारा देने वाले हैं। जी देखिए, बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री हर बार छात्रों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान परीक्षा के तनाव से निपटने के गुर बताते हैं और इस बार कितना उत्साह रहा छात्रों में। आप देखिए, कल मन की बात के दौरान भी प्रधानमंत्री ने बताया था कि 2018 में जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 22,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस बार जो 2024 में परीक्षा पे चर्चा का सातवां संस्करण हो रहा है तो 2,26,00,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब 2018 के मुकाबले आप देखिए तो 1,000 गुना अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मूवमेंट बन चुका है परीक्षा पे चर्चा। और पिछले साल के से तुलना करें तो पिछले साल भी करीब 39,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे और पिछले साल के मुकाबले भी 6 गुना अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो इसकी वजह एक ये भी है कि अब पहले जो रजिस्ट्रेशन होते थे वो CBSE के स्कूलों के बच्चों के लिए ही वो खुला होता था, वही रजिस्ट्रेशन करवा पाते थे, लेकिन अब तमाम जो राज्य बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो जो 2,26,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं
उसमें 1,90,00,000 जो रजिस्ट्रेशन है, ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन वो जो स्कूली शिक्षा बोर्ड है, स्कूल के जो स्कूली राज्य शिक्षा बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आप देख सकते हैं कि देश भर में, देश के तमाम राज्यों में किस तरह से परीक्षा पे चर्चा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। और बात करें परीक्षा पे चर्चा की आज की कार्यक्रम के, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने के गुर बताएंगे, कैसे जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, चूंकि अब परीक्षाओं का वक्त भी करीब आ रहा है, 15 फरवरी से CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो निश्चित तौर पर छात्रों में, हम सभी छात्र जीवन से गुजरे हैं, तो कितना तनाव रहता है, कितना भय रहता है, कितनी घबराहट होती है, ये सब ये हम इसको फील करते हैं। तो कैसे उससे बेहतर तरीके से निपटा जाए और कैसे टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन अच्छे से किया जाए, घबराहट को दूर रखा जाए, और जो गैजेट्स हैं, जो मोबाइल स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, उनसे अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, उनसे दूर रहना है, और कैसे योग करना है, मेडिटेट करना है ताकि स्ट्रेस को दूर रखा जाए, अच्छी नींद लेना है, ऐसे और पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहना है, और अपनी अपने जो हॉबीज़ हैं उनको भी बीच बीच में पूरा करते रहना है। तो ऐसे तमाम बातें हैं जो प्रधानमंत्री छात्रों के साथ शेयर करते हैं। और इस मौके पर आज जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं उन्होंने खास तौर पर परीक्षा पे चर्चा गीत भी तैयार किया है, जो कि वो प्रधानमंत्री के समक्ष पेश करेंगे। उस गीत की कुछ पंक्तियाँ हम आपको बताना चाहेंगे। परीक्षा पे चर्चा गीत है, कुछ पंक्तियाँ हम आपको बताएंगे कि किस बात की है चिंता, किस बात का है डर, कुछ भी नहीं कठिन है हम ठान ले अगर, जीवन परीक्षाओं से है भरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा, संघर्षों में मुस्काना और आगे बढ़ते जाना, सीखें प्रधानमंत्री जी से कठिनाई में राह बनाना, धाराएं हो प्रतिकूल जब कर हिम्मत से अनुकूल सब, मन की बातों को समझकर मन की बातें समझाना, हमें विकसित भारत का संकल्प दिया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह प्रधानमंत्री की जो प्रेरणादायी बातें हैं उससे छात्रों को मोटिवेशन मिलता है। तो निश्चित तौर पर आज सभी को इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री की इस परीक्षा पे चर्चा का। बिल्कुल इंतजार सभी को है, लेकिन छात्र छात्राओं के साथ साथ अगर देखा जाए तो टीचर्स और पेरेंट्स, उनको भी कई सारे टिप्स आज के इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने वाले हैं। आपसे जानना चाहेंगे निशांत कि आज का जो ये कार्यक्रम है उसमें भारत मंडपम में कितने छात्र शामिल होते हुए नजर आएंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे, और कितनी उम्मीद है कि ऑनलाइन छात्र जो है वो जुड़ेंगे इस पूरे कार्यक्रम से। जी देखिए, अगर भारत मंडपम में कार्यक्रम की बात करें तो करीब 3,000 छात्र, शिक्षक और अभिभावक भारत मंडपम में वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा देश के तमाम स्कूलों में छात्र जो हैं वो इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देखेंगे, और प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछे जाएंगे, 20 या 21 सवाल हैं जो कि प्रधानमंत्री से पूछे जाएंगे, इसमें कुछ सवाल जो भारत मंडपम में बैठे छात्र हैं वो पूछेंगे और कुछ सवाल जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से ऑनलाइन छात्र जुड़ेंगे वो पूछेंगे। देश के अलावा जो विदेशों में भी जो भारतीय छात्र पढ़ते हैं उनके सवाल भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखे जाएंगे। और निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम है इसमें छात्रों के अलावा शिक्षक और अभिभावकों से भी प्रधानमंत्री संवाद करते हैं, क्योंकि जो परीक्षा पे चर्चा के अगर लाभार्थियों की बात करें तो छात्र तो हैं ही, शिक्षक और अभिभावक वो भी इसके लाभार्थी हैं, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा का जो परीक्षाओं का जो दबाव होता है छात्रों पे वो सबसे ज्यादा अभिभावकों का होता है। आपको मालूम है कि अभिभावक दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करते हैं कि हमारे पड़ोसी के बच्चों को 98% या 99% मार्क्स आए हैं तो हमारे बच्चों को भी आना चाहिए। तो अभिभावकों का प्रेशर होता है, शिक्षकों का भी प्रेशर होता है, वो दूसरे बच्चों से आपकी तुलना करते हैं तो वो उसका भी प्रेशर होता है। तो निश्चित तौर पर छात्रों को भी प्रधानमंत्री टिप्स देंगे, अभिभावकों को भी देंगे, शिक्षकों को भी देंगे। और प्रधानमंत्री ने जैसा परसों NCC के कैडेट्स से जब वो संवाद कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि 2047 में जब विकसित भारत बनेगा तो उसके सबसे बड़े जो लाभार्थी होंगे वो आज के जो युवा हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं, तो वो सबसे बड़े लाभार्थी होंगे भारत को विकसित भारत बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो कृतिका, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की जो पीढ़ी है उसको जेंजी नहीं कहलाते, उसको वो कहते हैं कि वो अमृत पीढ़ी है। और कहीं ना कहीं आज जब प्रधानमंत्री के मुख से गुरु के तौर पर जब परीक्षा के तनाव से जुड़े जो मंत्र निकलेंगे वो
पक्की तौर पर जो छात्रों को है वो के लिए लाभदायक होंगे। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में, क्योंकि अगर देखा जाए तो फरवरी में जो है वो एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब कुछ ही समय में रह गया है, तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, क्योंकि इसके बाद में हम कई सारी अप्रिय घटनाओं की जो खबरें हैं वो भी सुनते हैं। और प्रधानमंत्री कहते ही हैं ना, ये एग्ज़ाम वॉरियर्स हैं, उन्होंने इस पर किताब भी लिखी है। चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, फिलहाल वक्त लेते हैं एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एनपीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉयज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है, फंड मैनेजर मैनेज करता है, एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए। एनपीएस जरूरी है। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024, 29 जनवरी सुबह 11 बजे। हो बिजनेस पढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। खबरों में बढ़ते हैं आगे, और खबर है बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में एनडीए सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक है। बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे शुरू होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक में एडवोकेट जनरल के मनोनयन के साथ ही विधानमंडल के बजट सत्र की संभावित तिथि के साथ ही दूसरे अन्य प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी और निर्णय लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कल शाम नवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और महागठबंधन सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजभवन में कैबिनेट में शामिल होने वाले 6 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ समारोह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम एनडीए में वापस आए हैं, अब कहीं नहीं जाने का कोई सवाल है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बधाई पर भी आभार प्रकट किया है। और पटना से हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर ताजा जानकारी के लिए। कुमार, सुप्रभात। जिस तरीके से हमने देखा कि कल बिहार में सियासी हलचल जो है बहुत तेज हो गई है, आज एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में पहली कैबिनेट की बैठक है, मंत्रियों ने शपथ ली है, अब विभागों का बंटवारा होना है, और किन महत्वपूर्ण निर्णयों पर फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक के पहले संभवतः मंत्रिमंडल का जो विभागों का बंटवारा है वो हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट की बैठक में जो डिसीजंस होंगे, जो काफी कुछ पेंडिंग डिसीजन है, जो पेंडिंग मामले हैं, उनको आज कैबिनेट फैसला लेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्पीकर का चुनाव, यानी जो अभी स्पीकर हैं विधानसभा के, जो अध्यक्ष है वो आरजेडी के हैं, तो वो या तो वो इस्तीफा देंगे, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर एक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी सरकार, नई सरकार, और उसके बाद फिर स्पीकर का चुनाव होगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नई जो सरकार है उसके सामने काफ़ी चुनौतियां हैं, और जो आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जो कहा कि कल किन कारणों से उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा, अगर हम देखें तो
खासकर इस नीतीश कुमार के बीजेपी में वापस आने में, यानी कि एनडीए में वापस आने के बाद एक तरह से आप देखें कि केंद्र के स्तर पे आप देखें तो जो इंडी गठबंधन जो खड़ा किया गया था, खासकर नीतीश कुमार उसका नेतृत्व कर रहे थे, और उस इंडी गठबंधन पूरी तरीके से चरमरा गया है। और आप केंद्रीय स्तर पर लगता है कि राष्ट्रव्यापी स्तर पर आप देखें तो लगता है विपक्ष एकदम शून्य हो गया है। इसको लेकर के नीतीश कुमार पर इंडी गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो काफी हमला कर रही है। लेकिन इसके बावजूद आज जो कैबिनेट की बैठक होगी 11:30 पे होगी, और कैबिनेट के बैठक के बाद मैंने आपसे पहले ही कहा कि कैबिनेट के बैठक के पहले ही मंत्रिमंडल के जो विभागों का बंटवारा हो जाएगा, और उसके बाद जो एक्सपेंशन होगा एक दो दिन में एक्सपेंशन भी होगा, मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन भी होगा। जी कुमार आलोक, क्या कुछ अहम फैसले भी आज की इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं? देखिए, पिछली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी महागठबंधन की, तो उसमें जॉब्स जितने भी जॉब क्रिएशन हुए हैं, खासकर शिक्षकों की बात करें या बिहार बीपीएससी से जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी हम बात करें, तो इसको जो नियुक्तियों की बात है, यानी कि नौकरियों की जो बात है, सरकारी नौकरियों की बात है, तो इसमें और कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं जो कल्याणकारी निर्णय लिए जा सकते हैं जो खास करके युवा वर्ग के लिए और जो बेरोजगार है या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा किसानों की बेहतरी के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं जिसमें कि उनका भला हो। इसके अलावा जो खास करके गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, जो यहाँ पर जो जातिगत जो जनगणना हुई थी, उस जातिगत जनगणना में 34% जो अति पिछड़ा के लोग हैं या सवर्ण जाति के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो सरकार का निर्णय था कि उनको उनके हर एक परिवार को 2,00,000 रुपया उनको दिया जाएगा, 50,000 का पहला किस्त होगा और 4 किस्तों में ये रकम दी जाएगी, तो उसपे भी कुछ निर्णय हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक में। तो देखना होगा कि 11:30 बजे के बाद लगभग 1 घंटे कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद क्या उसका प्रतिफल आता है उससे भी हम आपको तबसरा करवाएंगे। ठीक, धन्यवाद कुमार आलोक, महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से आज बिहार में जब एनडीए सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट होगी वहां किस तरीके के फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ में चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां अगली खबर है मथुरा से, जहां आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं है। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट निचली अदालत में पेंडिंग सारे मुकदमों को अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आगे उन मामलों पर सुनवाई कर सकता है, लेकिन सर्वे को लेकर हाईकोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, सुप्रभात। जिस तरीके से हमने देखा कि मथुरा में भी अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई है, किस तरीके की याचिका रखी जाएगी, किस तरीके की सुनवाई आगे बढ़ सकती है? क्योंकि पहले जब सुनवाई हुई थी तब ये कहा गया था कि जो सर्वे है वो नहीं हो सकता, तो आगे किस तरीके की कार्रवाई आज बढ़ेगी? सुप्रभात, बिल्कुल, देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दिया था कि मांग में स्पष्टता नहीं है कि आखिर हिंदू पक्ष उस जो शाही ईदगाह जो है वहां के सर्वे में उसको चाहिए क्या, तो प्रेयर कुछ सुप्रीम कोर्ट को लगता था कि अधूरी है। कोर्ट अपॉइंटेड एडवोकेट कमिश्नर जो थे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अपॉइंट किया था उनकी कार्रवाई पर आगे रोक लगा दी थी। हालांकि 15 मामले हैं जो लगभग सब में एक ही जैसी मांग की गई है, सभी हिंदू पक्ष की ओर से हैं, जिनमें दावा ये किया गया है कि जो शाही ईदगाह की जमीन है असल में वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है और वो उन्हें लौटा दी जानी चाहिए। तो इन सारी चीजों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है जी। आज ये इसलिए महत्वपूर्ण होगी सुनवाई कि हिंदू पक्ष आज इस बात का आग्रह करेगा कोर्ट से और इस कारण गिनाएगा कि आखिर क्यों वो चाहते हैं कि एक कोर्ट अपॉइंटेड कमिश्नर शाही ईदगाह के पूरे इलाके का सर्वे करें और एक रिपोर्ट सौंपे ताकि उनके जो दावे हैं, उनकी जो दलीलें हैं, उनकी पुष्टि हो सके।
ठीक है, विकास अगर देखा जाए तो इससे पहले काशी का भी मामला चल रहा है और अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस पर भी सभी की नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन जब आज ये अहम सुनवाई होगी इस दौरान जन्मभूमि की तरफ से किस तरीके से अपना पक्ष रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए जन्मभूमि की तरफ से ये कहा जाएगा यहाँ पर कि जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे है वो महत्वपूर्ण है ये स्थापित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि आखिर में वो मूलतः जमीन किसकी किसकी है, क्या वहाँ पर ईदगाह जो शाही ईदगाह जो है वो जमीन उनकी है या वो श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान है, इस दावे की पुष्टि के लिए सर्वे बहुत जरूरी है और यही बात हिंदू पक्ष यहाँ पर कोर्ट के सामने रखेगा और ये मांग करेगा कि जो रोक लगाई गई है, अंतरिम रोक लगाई गई है सर्वे पर, उसको हटाया जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और खबर है बिहार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनके रेल मंत्री रहते हुए लैंड फॉर जॉब केस के आज ईडी उनसे सुनवाई करेगी। इसके लिए ईडी ने 19 जनवरी को लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को अपने पटना कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर फिर से समन जारी किया था। लालू की पेशी आज है जबकि तेजस्वी को कल 30 जनवरी को बुलाया गया है। ये घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद यूपीए की पहली सरकार में रेल मंत्री थे। 9 जनवरी को ईडी ने रेलवे में नौकरी के लिए जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की जिसमें राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव सहित लालू प्रसाद के परिवार के अन्य लोगों को नामजद किया गया। इस मामले में सीबीआई पहले ही चार्जशीट फाइल कर चुकी है। लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को अक्टूबर में सीबीआई मामले में निचली अदालत ने जमानत दी थी। सीबीआई के अनुसार नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना जारी नहीं हुई और पटना के कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्त कर लिया गया था। सीबीआई का आरोप है कि इस नौकरी के बदले उम्मीदवारों ने सीधे या अपने परिवार के सदस्यों के जरिए लालू के परिवार के सदस्यों को रियायती दरों पर जमीन बेची। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लियोनपो का विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वो भारत भूटान संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए लियोनपो डीएन थुंगियेल के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। लियोनपो डीएन थुंगियेल पहले भूटान की सूचना और संचार मंत्री थे। बता दें कि 15 वर्ष पूर्व पारंपरिक राजशाही की जगह संसदीय सरकार स्थापित होने के बाद से भूटान में चौथी बार आम चुनाव हुए हैं। और आइए अब देश की और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पुदुचेरी के अरविंदो आश्रम का दौरा किया। उनके साथ पुदुचेरी के राज्यपाल डॉक्टर तमिलीसाई मौजूद रहीं। कर्नाटक के बेलथांगड़ी में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 3 लोगों की मौत होने की खबर आई है और कई लोग घायल हुए हैं। विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। तमिलनाडु के तेनकासी के पास लॉरी और कार की टक्कर में लगभग 6 लोगों की मौत हो गई। कादियानल्लूर में थिरुमंगलम और कोल्लम नेशनल हाईवे पर सिंगलीपट्टी और पुण्यापुरम के बीच ये हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में फरीदपुर में आग लगने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हरियाणा के सोनीपत जिले में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंदते हुए मौत के घाट उतार दिया। हादसे में कुछ अन्य लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। जानकारी के मुताबिक घटना में पीड़ित कुछ लोग नेपाल के रहने वाले थे। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आज कोहरे की पतली परत छाई रही, शीतलहर भी जारी है। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर भारत के अधिकतर भागों में कुछ घंटों तक गहरा कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। कोहरे के कारण दिल्ली पहुंचने और यहां से जाने वाली कई ट्रेनें और विमान देरी से चल रहे हैं। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार में भी कोहरा छाया रहेगा, वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रिकॉर्ड 2,26,00,000 छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ आज परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने के देंगे टिप्स। बिहार में एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज, बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव समेत लिए जा सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैसले। मथुरा के शाही ईदगाह भूमि सर्वेक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से आज पटना में ईडी करेगी पूछताछ। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले को लेकर होंगे सवाल जवाब। शंखनाद के साथ शुरू होगा आज बीटिंग द रिट्रीट समारोह। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तीनों सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के म्यूजिकल बैंड बजाएंगे स्वदेशी धुने। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जॉर्डन में ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत, 34 से ज्यादा घायल। बाइडेन ने हमले के लिए ईरान स्थित समूहों को ठहराया जिम्मेदार। और क्रिकेट में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 में पहुंचा भारत। ग्रुप दौर के अंतिम मुकाबले में अमेरिका को 201 रन से दी करारी शिकस्त। और चलिए नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन फिलहाल इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कब है 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। तो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई हो गई है ना बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और आइए अब वक्त हो चला है दुनिया भर की कुछ खास खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। उत्तर कोरिया ने एक सप्ताह में दूसरी बार फिर से क्रूज मिसाइलें दागी। इस मिसाइल का निरीक्षण करते हुए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की तस्वीरें जारी की गई हैं। किम जोंग उन ने इस परीक्षण को सफल बताया। जॉर्डन में ईरान समर्थित आतंकियों के हमले में अमेरिकी सेना के 3 जवान मारे गए हैं जबकि कई घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने यह हमला किया है, लेकिन खास बात यह है कि कोई खास समूह का नाम नहीं लिया गया है। इस बीच इराकी हिजबुल्ला ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली है। जापान ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोक दी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को फंडिंग रोकने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, फिनलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने इन सभी देशों से अपना फैसला वापस लेने को कहा है।
पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी प्रतिष्ठित मोनालिसा पेंटिंग पर कुछ लोगों ने सूप फेंक दिया। देश में कृषि प्रणाली में बदलाव की जरूरतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे दो प्रदर्शनकारियों ने ऐसा काम किया है। हालांकि ये पेंटिंग बुलेट प्रूफ शीशे में सुरक्षित रूप से रखी गई है, इसलिए पेंटिंग को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फिनलैंड में 99% वोटों की गिनती में पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब राष्ट्रपति चुनाव का पहला दौर जीत गए हैं। अगले महीने निर्णायक मतदान में अलेक्जेंडर स्टब का मुकाबला उपविजेता पेक्का हाविस्टो से होगा। तुर्की में इस्तांबुल के एक चर्च में प्रार्थना के दौरान दो बंदूकधारियों ने फायरिंग में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े इन बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के मैरीलैंड में एक पुल पर कई गाड़ियों के टकराने से 13 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना में 40 से ज्यादा वाहन शामिल थे और अधिकारियों को लगभग 6 घंटे तक पुल पर सभी लेन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इजरायली समुदाय के सैकड़ों सदस्य यरूशलम में सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए, जिसमें इसराइल से गजा और अधिकृत वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में बस्तियों का पुनर्निर्माण करने का आह्वान किया गया। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे डीडी न्यूज के न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी रेशमा फारूकी मौजूद है। रेशमा सुप्रभात, क्या है आज अखबारों में प्रकाशित मुख्य सुर्खियां? भावना और कृतिका, और अगर सुर्खियों की बात करें और ज़्यादातर अखबारों की बात करें और सुर्खियों की बात करें तो नवी बार सीएम नीतीश कुमार बन चुके हैं और इसी खबर को ज़्यादातर अखबारों ने अपनी सुर्खियों में जगह दी है। अगर नवभारत टाइम्स की बात करें तो जो सुर्खी है वो ये है कि गृह महागठबंधन सरकार, नवी बार सीएम बने नीतीश कुमार। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनाए गए और इस पर नीतीश ने कहा कि अब इधर उधर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि बधाई दी है और नड्डा ने कहा कि इंडी अलायंस अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर, ये भी आज के लिए बेहद ख़ास हो जाती है ये खबर। बीटिंग रिट्रीट से ये इसका ताल्लुक़ है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आज है और कई रास्तों से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सकता है और जो लोग आज घर से बाहर निकल रहे हैं वो डाइवर्जन का पूरी तरह से ख्याल करके निकलें। और ये हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह का आज समापन है और बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी होती है इस पर आमतौर पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है। और अगर मेट्रो की बात करें तो येलो और वायलेट लाइन पर मेट्रो में भीड़ बढ़ सकती है, इसीलिए कहा गया है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो ट्रैफिक का पूरी तरह से ख्याल करके निकलें ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से तैयार है कि आम जन जो हैं उनको आज के दिन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगली खबर भी देख लेते हैं, आज बने कानून कल के भारत को और मजबूत करेंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर डिजिटल कोर्ट 2.0 और नई वेबसाइट लॉन्च की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून बनाने से भारत के कानून, पुलिस और जांच प्रणाली एक नए युग में जा पहुंची है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि सैकड़ों साल पुराने कानूनों में हम नए कानून की ओर प्रवेश कर गए हैं और सब सुनिश्चित करना एक अहम काम हो जाता है। सशक्त न्यायिक सिस्टम विकसित भारत का एक हिस्सा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऐसा कहा है। और आपको बता दें बहुत सभी को आज के दिन का इंतज़ार रहता है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से बात करते हैं, क्योंकि आज का दिन परीक्षा पे चर्चा का दिन है। और आपको बता दें कि बच्चों से 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बात करेंगे परीक्षा पर चर्चा में। और आज स्टूडेंट के साथ जब परीक्षा पर चर्चा होगी तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं बेहद उत्सुक हूं और इस बार की ख़ास बात यह है कि इस बार रजिस्ट्रेशन का नया रिकॉर्ड बना है, ये परीक्षा पर चर्चा इवेंट का 7वां एडिशन बताया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं एक और अखबार पर, हिंदुस्तान अखबार है और एक अच्छी खबर ये है, जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं उनके लिए गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी, पहाड़ों पर
चादर बिछ गई है बिल्कुल सफ़ेद रंग की और लोग इसे देखने के लिए पूरी तरह से उत्सुक नज़र आ रहे हैं। घाटी में रविवार को गुलमर्ग, गुरेज और बंगस घाटी में इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है और लोगों की भीड़ वहाँ उमड़ पड़ी है। जो लोग घूमने के शौकीन हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो भी वहाँ ज़रूर जाएंगे। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। अगली खबर भी हमने इसी अखबार से ली है। आपको बता दें कि एक और ख़ास खबर है इसी अखबार से। सबसे बड़ा क्रूज़ पहली यात्रा पर निकल चुका है और दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ शनिवार को मियामी बंदरगाह से पहली यात्रा के लिए निकल गया है। 7 दिवसीय यात्रा में ये यात्रियों को फ्लोरिडा के निकट कई द्वीपों की सैर कराएगा। रॉयल कैरिबियन द्वारा बनाए आइकॉन ऑफ द सीज का नामकरण फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने किया है। ये एक अच्छी खबर है और वंडर ऑफ द सीज से थोड़ा सा ये बड़ा भी बताया जा रहा है। और अब एक और ख़बर की ओर बढ़ जाते हैं। एक और ख़बर हमने ली है ये दूसरे अखबार से और ये भी ख़ास हो जाती है क्योंकि इसमें जो बात बताई गई है कोहरे के मुतालिक है और प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। दिल्ली में रविवार को आसमान में दिन भर कोहरा छाया रहा जिससे लोगों को अधिक ठंड का एहसास हुआ। शनिवार को निकली धूप ने कुछ राहत दी थी लेकिन रविवार को धूप नहीं निकलने की वजह से पूरे दिन ठंड के साथ ही प्रदूषण की मार पूरी तरह से झेलनी पड़ गई है। इसीलिए कहा गया है कि जितने भी लोग अगर घर से बाहर ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि प्रदूषण आम जन को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये थी ख़ास कुछ सुर्खियाँ अखबारों से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा इतनी सारी खबरों को कम समय में समेट कर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका कई महत्वपूर्ण दवाओं का आयात करने की योजना बना रही है और फिलहाल भारत में करीब 50 क्लिनिकल परीक्षण कर रही है। सही अवसर मिलने पर एयरबस पर्यावरण के अधिक अनुकूल विमानन ईंधन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए भारत में निवेश करने को इच्छुक हैं। एडटेक कंपनी बायजूस का घाटा वर्ष 2020-21 में 4,564.38 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 8,245.2 करोड़ रुपए हो गया। साल 2023 में लगभग स्थिर रहने वाले रुपए के लिए 2024 की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। जनवरी में अब तक यह 0.1% की बढ़त के साथ एशिया में सबसे अच्छे प्रदर्शन वाली मुद्रा रही है जबकि इस दौरान डॉलर इंडेक्स में 2% की बढ़त हुई है। जनवरी के आखिरी कारोबारी हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में 7 का मार्केट कैप 1.6 लाख करोड़ गिर गया है। मोटोरोला बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में मोटो G24 पावर स्मार्टफोन 30 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। ICICI लोम्बार्ड ने जानकारी दी है कि वो 100 करोड़ में कर्नाटक बैंक में 1.08% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। कारोबार जगत के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। भारत ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ग्रुप दौर के अपने आखिरी मैच में भारतीय टीम ने अमेरिका को 201 रनों से पराजित किया। टीम इंडिया ग्रुप स्तर के अपने सभी मैच जीतकर शीर्ष पर रही। अब सुपर 6 में भारत का सामना मंगलवार को न्यूजीलैंड से होगा। अंडर-19 विश्व कप के ग्रुप दौर के अपने अंतिम मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 326 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए विराट लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमेरिकी टीम 125 रन पर ही सिमट गई और मैच गंवा दिया। मिस्र के काहिरा में चल रहे ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर ने रजत पदक हासिल करने में सफलता पाई। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जर्मनी की जॉनसन के नाम रहा जबकि पोलैंड की एनेटा ने कांस्य पदक जीता। यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल में इटली के चौथे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सिनर ने रूस की तीसरी
वरीयता प्राप्त डैनियल मेडवेडेव को 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। आईसीसी ने श्रीलंकाई क्रिकेट पर लगाए निलंबन को हटा लिया है। आईसीसी ने कहा कि अब वो संतुष्ट है कि एसएलसी अब सदस्यता दायित्वों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफए कप के चौथे दौर में न्यूपोर्ट काउंटी को 4-2 के अंतर से हरा दिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से पहला गोल ब्रूनो फर्नांडिस ने 7वें मिनट में किया। और चलिए खेल जगत के बाद अब देखते हैं खबरें सिनेमा जगत से फटाफट अंदाज में। बिग बॉस 17 को अब उसका विजेता मिल गया है। मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। साथ ही उन्हें 50 लाख की प्राइज मनी और एक चमचमाती हुंडई क्रेटा कार भी दी गई है। उनका सफर बेहतरीन रहा। फिल्मफेयर अवार्ड कल गांधीनगर में हुआ संपन्न। एनिमल के लिए रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर बने तो आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस रही। उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए बॉलीवुड के कई बड़े फिल्म मेकर्स निवेश कर रहे हैं। यह 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में अक्षय कुमार ने भी रुचि दिखाई है। शाहरुख खान अभी हाल ही में यूएई T20 लीग का मैच देखने के लिए पहुंचे थे। इस मैच में किंग खान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में शाहरुख आंद्रे रसेल के साथ बात करते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने साउथ वर्सेस बॉलीवुड की बहस पर अपनी राय रखी है। अमिताभ बच्चन साउथ की फिल्मों की तारीफ करते नजर आए। अमिताभ ने इस दौरान मलयालम और तमिल सिनेमा की भी तारीफ की। और चलिए अब नया सवेरा में भावना आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज संपन्न होगा। विजय चौक पर भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड देश के प्रतिष्ठित दर्शकों के समक्ष 31 भारतीय धुनें बजाएंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और आम लोग मौजूद रहेंगे। समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड द्वारा शंखनाद धुन के साथ होगी, जिसके बाद पाइप्स और ड्रम बैंड के माध्यम से वीर भारत, संगम दूर देशों का सरताज भारत, भागीरथी और अर्जुन जैसी मनमोहक धुनें भी पेश की जाएंगी। CAPF बैंड भारत के जवान और विजय भारत का संगीत बजाएंगे। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने यातायात व्यवस्था के बारे में निर्देश जारी किए हैं। आज दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक विजय चौक सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा। तो आपको बता दें कि आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है, गणतंत्र दिवस का समापन समारोह का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अपनी सेहत की। हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच का स्वास्थ्य और जीवन के लिए क्या महत्व है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोच और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य की सोच का उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रोजमर्रा की भागदौड़, काम का बोझ, कंपटीशन, जीवन में तनाव और जल्द ही सफलता पाने की ख्वाहिश, इन सब के साथ जीना हो तो कभी खुद से और कभी दूसरों से असंतुष्टि हो जाती है। असफलता का डर रहता है, कभी सब कुछ खो देने का डर मन में बना रहता है। इन सब के बीच शायद हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या सोच रहे हैं या हमारे विचार कैसे हैं। हमारी सोच हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर के ऊपर प्रभाव करते हैं। अगर हमारे कोई तकलीफें हो रही है, हम इसे बाहर कैसे आए, हमें उस समय पे नेगेटिव इमोशंस महसूस हो सकता है, हमें दुख हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, हेल्पलेस महसूस हो सकता है, होपलेसनेस भी आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम उस स्थिति से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एंड
हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे एक समस्या ख़त्म होने के बाद और एक समस्या होता है। कभी कभी हम बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस में होते हुए भी, हमारे बहुत अच्छा नौकरी है, हमारे बच्चे ठीक ठाक से कर रहे हैं काम, लेकिन उसके बावजूद एक डिससेटिस्फैक्शन आ गया है, तो वो भी हमारे इमोशंस, हमारे सोच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी वजह से हम एक चिड़चिड़ा या इरिटेटेड, या हम बार बार सोचते रहे कि हम अचीव और कैसे करें इसके बावजूद क्या। सो हमारे जीवन में जो है उसको हमें बार बार इवैल्यूएट करना होगा कि इस समय में ये ठीक है, और अगर हमें और कुछ की कोशिश करना है, हाउ डू वी प्लान इट। नकारात्मक सोच के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, अवसाद, रिश्तों में तनाव हो सकता है, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ये विपरीत प्रभाव डालती है। अपने विचारों को सुदृढ़ और मजबूत करना हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे अपने की देखभाल, अपने आप को समझना, नोइंग आवर लिमिट्स, और हम कितना खुद को व्यक्त करें, कहाँ पे रुकना है, कहाँ तक हमारी सेंस ऑफ अचीवमेंट, हमारे अपने आप के लिए स्टैंडर्ड्स, दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स, इट विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ फंक्शनिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, और हम कितना ऑल्ट्रिस्टिक हो सकते हैं, तो हम सिर्फ ठीक नहीं रहेंगे, दूसरों को भी ठीक रखेंगे, दूसरों को भी मदद करेंगे, तो हम ग्रोथ सिर्फ हमारा नहीं, दूसरे के साथ को भी हम आगे लेके जाएंगे। योग और ध्यान करने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, और हम सफलता की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे वो कामनेस और शांत मिल जाता है एक निर्णय लेने के लिए। कभी भी नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी ना होने दें। अच्छी सोच और दृढ़ निश्चय व्यक्ति के लिए कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। इसलिए जानें कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मक सोच का महत्व क्या है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलिए नए सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं मौसम की, और जानते हैं मौसम का मिजाज। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बर्फीली ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कम से कम 2 से 3 दिन तक घना कोहरा और भीषण ठंड की स्थिति बनी रहेगी। 3 फरवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के पहले हफ्ते तक कश्मीर घाटी के अधिकतर स्थानों पर हल्की बर्फबारी होगी। 30 जनवरी से 3 फरवरी तक मैदानों में बारिश और मध्य और साथ ही उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 31 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ आज नया सवेरा के इस खास अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़ चलते हैं स्विट्जरलैंड में आइस स्केटिंग की एक प्रतियोगिता की कुछ झलकियों के साथ। जी हाँ, ये झलकियाँ हैं और ये अमेरिकी युवाओं ने इनका दिल जीत लिया है। आप भी इन झलकियों का आनंद लीजिए, इस बर्फबारी का आनंद लीजिए, और देखिए कि कैसे आइस स्केटिंग के जरिए युवा जो हैं वो आनंद ले रहे हैं। इसी के साथ मुझे कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।